नींद आ रही है कुछ और पढ़ लेते हैं क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ने बैठते हैं तो हमको पता नहीं ऐसा लगता है कि इस दुनिया का पूरा भार इस किताब में आ गया है क्या सब्जेक्ट है ये फजिश को पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या आता है आलस आता है अब आलस आने के पीछे गलती आपकी नहीं है आलस आने के पीछे गलती हमारी आदतों की है हमारी आदतें क्या जैसे हम फजिक्स को उस ढंग से पढ़ते ही नहीं है इस किताब को उठाने से पहले मेरे मन में जो थॉट आता है ना वो यही आता है कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे आलस की तो ध्यान रखना फिजिक्स सच में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कभी कभी पूरे साल भर में से एक दिन ऐसा होगा जब आपको लगता है यार आज पढ़ने का मज़ा आ रहा है फिजिक्स बस उसी दिन आप फिजिक्स को सही ढंग से पढ़ते हो बस वही चीज़ें आपको करनी होती है उस दिन और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से हंड्रेड परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ एक दिन ऐसा जरूर हुआ जब उनको लगता है यार आज तो मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे मजा आ रहा है यार फिजिक्स में तो वो जो चीज़ है ना वो सही मैथड है और वो क्या आप बाई मिस्टेक वो मैथड अपना लेते हो बट आप नोटिस नहीं कर पाते तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर फिजिक्स को आलस भगाना है फिजिक्स के अंदर कमांड करनी है तो सबसे पहले फिजिक्स की जो लेके नेगेटिव अप्रोच है वो हमें हटानी पड़ेगी तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में फिजिक्स जो है वो सही ढंग से जो एक टॉपर बच्चा पढ़ता है जिसे फिजिक्स आती है जिसे फिजिक्स आती है हम बायो वाले उसे मानते हैं टॉपर और वो एक्चुअल में टॉपर बन जाता है भाई क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई कर लेगा केमिस्ट्री मॉडरेट सारे बच्चे कर लेते हैं फिजिक्स है जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं और वही बहुत कम बच्चे टॉपर कैटेगरी में आ पाते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से बच्चे टॉपर कैटेगरी में आते हैं और क्यों आते हैं क्या अलग करते हैं वो ऐसा जो फिजिक्स में उन्हें आलस नहीं आता फिजिक्स में उन्हें मजा आता है ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूं जैसे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को खास तौर से अगर हम बात करें फिजिक्स से, फिजिक से जैसे सब्जेक्ट को जहां एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ज्यादा है उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यह हमें समझना पड़ेगा अब समझने के लिए क्या होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है अब कॉन्सेप्ट को कैसे समझें Concepts को समझने के लिए हमें उन्हें डेली लाइफ में सोचना पड़ेगा जैसे आप कई बार देखते हो कि फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं साइकिल चल रही है ब्रेक लगा रहे हैं रुक जाएगा रिटार्डेशन वर्क पावर एनर्जी रहेगा स्प्रिंग मोशन पुली मोशन सब पढ़ते हैं चार्ज प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म यही सब पढ़ते हैं लाइट के अंदर पढ़े तो हम रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन वाई वाईडीएस ये सब पढ़ते हैं ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है हमारे आस पास होती है तो आप उसको डेली लाइफ से क्या करो कनेक्ट करो आप जब भी फिजिक्स पढ़ते हो ना आप ये सोचा करो कि यार मैं ना इस चीज के बारे में किसी को बताऊंगा और जब हम किसी को बताते हैं तो हम हो जाते हैं टीचर और वो एक ऐसा स्पेस है जहां पे हमारी गलती की गुंजाइश नहीं होती तो आप भी अपने अंडरस्टैंडिंग को वहां सोच रहे होंगे मुझे इस तरीके से सीखना है कि मुझे गलती नहीं करनी है तो डेली लाइफ से कनेक्ट करो एक तो अपने सब्जेक्ट को आप देखते हो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा रोटी कपड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खाने पीने की चीज़ें इनसे रिलेट रेल, करता हूँ चीज़ों को तो ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं हम समझ पाते हैं इन चीज़ों को ठीक है मेन क्या है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हम देखते हैं हमें पता है इनके बारे में तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड बेहतर कर पाते हैं और इसी बेसिस पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और जो वो पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं वो मिलती है कहाँ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए आप मेरे से इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कैसे कैसे स्टडी करें अंडरस्टैंडिंग कैसे लेके आए किसी सब्जेक्ट पे कमांड कैसे करें आप उससे बात कर सकते हैं डायरेक्टली अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आपको अडोप्ट करना होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को पर्टिकुलर इंक्रीज करना होगा अपने स्कोर को अब स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा हर एक सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रेटजी होती है जैसे आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं विजय सर तो विजय सर जब आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं आपने देखा होगा कि इनके फिजिक्स पढ़ाने का तरीका बड़ा लाजवाब है ये आपको यहां से लेके जाते हैं यहां से मतलब कहा एकदम डाउन टू अर्थ लेके जाते हैं और फिर एकदम टॉप तक लेके जाते हैं तो मेन चीज़ क्या है कि आपको हर एक चीज़ बताते हैं ऐसा नहीं कि बच्चों का स्टैंडर्ड सेट करके दिए तो बच्चे को आता होगा यार छोड़ो उन्होंने बेसिक मैथ्स के भी करीब बारह से तेरह क्लासेस दी जब सब कुछ बताया है पूरी फिजिक्स में आप रियली मानना आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स आपको आती नहीं है एक्चुअल फिजिक्स से आपकी दुश्मनी नहीं है फिजिक्स आपको आती है आपको मैथ्स नहीं आती मैथ्स से हम बचपन से डरते हुए आए हैं और बिना मैथ्स के फिजिक्स अधूरी है बेटा तो इसीलिए आप ध्यान अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो मैथ्स की चीजें सीखनी ही पड़ेगी तो बस आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो आप अपने मैथड्स को चेंज करो अगर आप अपने मैथड्स को चेंज करोगे ना आपको चीजें अपने आप बेहतर होती जाएगी जैसे आपको सर पढ़ाते हैं तो सर क्या करते हैं क्लास लेते हैं क्लास लेने के बाद में सर उसके सिमिलर क्वेश्चंस करवाते हैं क्वेश्चंस के बाद में आपको मिलती है डीपीपीस और डीपीपीस का सैटरडे को होता है सॉल्यूशन और इसके बाद में होता है आपका संडे टेस्ट क्या होता है संडे टेस्ट अब आप सोचो आपको इतनी सारी चीजें जो मिल रही हैं इसका पूरा एक क्या है ये एक फ्लो चार्ट है और ये चीजें आपकी हर हफ्ते दोहराई जाती है तब जाके हमारे सब्जेक्ट में हमारी कमांड होती है ऐसा नहीं कि क्लास दी टेस्ट हो गया क्लास दी क्वेश्चन कराया टेस्ट हो गया देखो सिस्टम एक चीज एक फाउंडेशन अगर आपको बढ़ाना है तो सिस्टम का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है इंप्रूव करो अब फिजिक्स है इतना ईजी भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट तो भाई हार्ड वर्क तो बनता है अब हार्ड वर्क का मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि बैठ के रटते रहो नहीं आप क्या करते हो रट्टा मारते हो क्या करोगे रट्टा मारोगे रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स है ही नहीं बेटा इसको तो गलत करो फिजिक्स एक प्यारा सब्जेक्ट है डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करने वाला आप इसको समझो सर समझते कैसे हैं मैंने कहा डे टू लाइफ में कनेक्ट करो उसे ही समझना कहते हैं और समझ के बेटा क्या करो आप क्वेश्चन को समझो हम क्वेश्चन करने बैठते हो क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन को कैसे इस क्वेश्चन को भी डे डे टू लाइफ में कनेक्ट करो और अब अब आपने जो समझा उसमें से क्या निकालो फॉर्मूला निकालो और अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में पुट करो अपने आप जादू होगा और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा हम तो क्या करते हैं यहां से निकालने की कोशिश करते हैं यही बीच का कॉन्सेप्ट है जो हमको समझाता है कि फिजिक्स कितनी आसान है और सच में फिजिक्स बहुत ईजी है आप अगर चीजों को बहुत प्यार से करेंगे फिजिक्स अपने आप आपकी बहुत प्यार से होते चली जाएगी मेन गलती हम यही करते हैं कि एक्चुअल में हम चीजों को समझ नहीं पाते और चीजों को फिर लेके चल लेते हैं कि नहीं यार कर लेंगे कर लेंगे नहीं उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में स्टडी सोर्स नहीं है कि हम पढ़ाई कहां से करें ऊपर से खास खासतौर से फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में कैसे कमांड करें वो दिक्कत आती है तो यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी और आपके पास कोई और स्टडी मटेरियल आप उसकी हेल्प ले सकते हैं जय अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट अवेलेबल हैं आप जाके चेक करिए यूट्यूब पे आपके वन शॉट क्लासेज अवेलेबल हैं जिससे आप अपने सब सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाकी अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम चाहते हैं तो मैं फॉलो करता हूं कि आप सिर्फ नो इवन जय अकेडमी आपको जहां जिस टीचर से समझ में आए इवन आप कोई भी टीचर से पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए आप पढ़ते भी होंगे आप उस टीचर पर पूरा भरोसा करिए क्योंकि वो टीचर आपसे ज्यादा जानता है उसका भी लाइफ में मकसद यही है कि आप अपने कॉलेज को अचीव करो हमारा भी मकसद आपसे यही है कुछ बच्चों की फ्रीक्वेंसी हमसे मैच करती है कुछ बच्चों की और से मैच करती है तो डोंट बी कंपेयर द टीचर्स आप अपने स्कोर को इंप्रूव करो बस कंपेयर योर सेल्फ कि मैं पिछले दिन से अच्छा हूं या नहीं हूं मैंने पिछले दिन से ज्यादा स्कोर किया कि नहीं किया तो, तो आप जिंदगी में कुछ अचीव करोगे अदरवाइज बेटा अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे टीचर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स को तो बस वही करते रह जाओगे जिन्हें जिंदगी में आगे जाना है वो आगे चले जाएंगे उसके बाद स्टडी मटेरियल के बारे में बात करें तो आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में किसी स्टूडेंट की सक्सेस के वो रूटीन वो रूटीन नहीं बनाता और अगर बनाता तो फिर ऐसे बनाएगा पाँच बजे मैं उठूँगा छ बजे मैं नाश्ता करूँगा सात बजे मैं पढ़ने बैठूंगा तो बेटा आपने ये दो घंटे क्या किया क्या हमारी प्रायोरिटी है ये नाश्ता उठना कभी भी ऐसे मत बनाओ आप हमेशा ऐसे बनाओ पाँच बजे से सात बजे तक मैं बायो पढूंगा फिर एक घंटा फ्री हो गया उसी घंटे में कुछ भी करो ना यार फिर आठ बजे से मैं दस बजे तक क्लास कर रहा हूँ फिजिक्स की फिर दस से एक बजे तक मैं बायो की क्लास कर रहा हूँ फिर दो बजे से लेकर मैं चार बजे तक केमिस्ट्री क्लास कर रहा हूँ फिर मैं थोड़ा गैप लूंगा दो घंटे रेस्ट करूंगा लगातार क्लास कर रहा था छह बजे से मैं सात बजे तक एक बार दोबारा इन सब क्लासेस को रिवाइज कर लूंगा फिर थोड़ा और रेस्ट करूंगा आठ से नौ में लंच करूंगा उसके साथ साथ मैं यहाँ पे हो सकता है कुछ छूट गया हो तो मैं क्लास भी साथ में साथ देख लूंगा और फिर मैं दस से ग्यारह सारी चीजें रिवाइज कर लूंगा प्रैक्टिस करूंगा ये होता है यहां पे मैंने अनशण चीजें कुछ नहीं लिखी अब अंश का मतलब क्या जो मुझे नहीं लिखना चाहिए जैसे कि मैं इधर टीवी देखूंगा मैं इधर एंटरटेनमेंट करूंगा मैं इधर बाहर आउटडोर गेम्स खेलूंगा नहीं वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है जो टाइम मैंने छोड़ा है ना इसमें से उसमें वही तो करना है हमारे स्केड्यूल की सबसे पहली लाइन ये होती है आठ घंटे सोना मैं मानता हूं ये बहुत जरूरी है बट ये नहीं भी लिखोगे तो आप करोगे बट क्या ये नहीं लिखा तो करोगे नहीं करोगे ना यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो इन्हें लिखना पड़ेगा और एक प्रॉपर स्केड्यूल को अगर आप चाहते हो कि फॉलो किया जाए तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं और आप में से ऐसा कौन सा बच्चा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर मैं सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ रेगुलर बच्चा हूं मैं कर लेता हूं बहुत अच्छी चीजें सौ में से कोई दो चार बच्चे ऐसे होते हैं बाकी सबको एक फॉलोअप चाहिए होता है एक ऐसा भैया एक ऐसा टीचर चाहिए होता है जो उन्हें गाइड करे उन्हें हाथ पकड़ के ले जाए तो मैं उस हाथ को थामने के लिए तैयार बैठा हूँ आप फॉलो करिए मेरे प्रॉपर रूटीन को और मेरे पूरे प्रॉपर रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं इन बैचेस के अंदर जब आपकी क्लासेस होती है प्रॉपरली तो इन क्लासेस को अटेंड करो जो टाइम टेबल अभी मैंने आपको बताया आठ से चार बजे का वो आपकी क्लासेस का टाइम था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आप फॉलो करोगे ना आपकी आदतें बन जाएगी और आदतें बनती है तभी जाके मंजिलें बनती हैं तो बस अपनी आदतों को बनाओ यही है जो आपको इन सब बैचेस में मिलेगा क्रैश कोर्सेज है डीपीपीस है सोल्यूशन है टेस्ट सीरीज है सब कुछ आपको आपके बैच में मिल रहा है एम्स के लिए उम्मीद है महाराष्ट्र के संघर्ष है उड़ीसा साकार बिहार संकल्प उत्तर प्रदेश सफलता एंड अदर स्टेट्स के लिए आपका पराक्रम जेके बोपी के लिए इन सबके लिए बैचेस है बेटा आपके बस आपको तैयारी करनी है अगर आप नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रारंभ बैच है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपर्ली आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे कॉल कर रहे हैं आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं हम गप्पे लगा सकते हैं बतिया सकते हैं बेटा ठीक है बट मेन चीज़ है वो सारी चीज़ें आपके करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए तब तो हम बात करने का मजा है अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है अब फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास फिजिक्स में आते हैं एक बार वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आप इंजीनियरिंग में देखोगे एविएशन में देखोगे मर्चेंट नेवी में देखोगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखोगे आई टी सेक्टर में आर्किटेक्चर में है हार्डवेयर है डिफेंस सर्विस है एस्ट्रोनॉमी में है एस्ट्रोनॉमी हाँ बिल्कुल बेटा एंड नोमेटल साइज एंड टीचिंग में है ये फिजिक्स के सारे स्कोप मैंने आपको थोड़ा सा यू ही बता दिया कि कौन कौन सी जगह पर फिजिक्स के स्कोप हैं अगर आप ढंग से करना चाहते हो ना सारी चीज़ें तो वो मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता दी है बस आपको तय करना है कि आप कब शुरू करते हो और ये शुरुआत आज की अभी से हो जानी चाहिए मेरे को आप कमेंटेशन में ये बताना कि आपका अपना अपना ड्रीम कॉलेज कौन सा है जिसे आप अचीव करना चाहते हो ताकि वो आपके दिमाग में रहेगा और मेरे को भी बता रहेगा कि हाँ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा को चाहिए के जी आकांक्षा आकांक्षा को चाहिए एम्स भोपाल पल्लवी पल्लवी को चाहिए एम्स दिल्ली तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए ताकि मैं भी ध्यान कि हाँ मेरे बच्चों का सपने क्या हैं और मैं उन सपनों को लेकर काम करूँ तो मेरे बच्चे मेरे लिए जरूर काम करेंगे ठीक है तो होपफुली कोई भी डाउट हो आप मेरे को जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड बाय पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी